जानकारी के लिए सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात करेंगे छुट्टी छुट्टी की, रायपुर से बड़ी खबर भीषण गर्मी को लेकर। दरअसल कई इलाकों में छत्तीसगढ़ में पारा 45 के पार है। अब सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाया गया है। भीषण गर्मी के चलते 26 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन 27 से जाना होगा। प्रदेश में गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा जरूरी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। कई हालांकि जो छत्तीसगढ़ का एवरेज टाइम रहा है 10 जून से 15 जून तक मानसून के आने का रहा है, लेकिन अब चूंकि तब्दीलियां हैं। और सहयोगी तनु आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे तनु के पास हम आपको लिए चलेंगे। तनु, अब 26 तक छुट्टी छुट्टी, हालांकि इस बीच उम्मीद ये कि मानसून भी छत्तीसगढ़ को टच कर सकता है। तनु, जी देखिए, लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पालकों और बच्चों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब स्कूलों में प्रवेश उत्सव के समय में बदलाव किया गया है और प्रदेश के सभी स्कूल जो हैं अब 26 जून तक बंद रहेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी कर दिए और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग को अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम का पारा जो है वो बढ़ते जा रहा है और लू जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, क्योंकि बच्चों की सेहत जो है गर्मी और लू से बचाव जो है वो बेहद जरूरी है। वहीं मानसून की अगर हम बात करें तो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश में मानसून जो है वो थोड़ा लेट दाखिल हो सकता है। पहले छत्तीसगढ़ में 15 जून तक प्री मानसून की गतिविधियां जो है वो शुरू होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि इसमें 3 से 4 दिन और लेट हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून जो है 20 से 21 जून तक पहुंचेगा और ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्मी से राहत मिल पाना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तनु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। बात करेंगे दमोह की, दमोह से बड़ी खबर। गंगा जमुना स्कूल को लेकर प्रशासन लगातार सख्त बना हुआ है। नगर पालिका प्रशासन ने फिर से मुहिम शुरू कर दी है, बगैर अनुमति के निर्माण कार्य हटाने की मुहिम। नगर पालिका के कर्मचारी लोहा हटाने का काम कर रहे हैं, कल भी लोहा हटाने का काम किया गया था, आज भी नगर पालिका प्रशासन की यह मुहिम जारी है। नई निर्माणाधीन बिल्डिंग को लेकर यह कार्रवाई चल रही है। और सहयोगी आशीष आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे आशीष के पास आपको लिए चलेंगे। आशीष के पीछे भी एक कंस्ट्रक्शन दरअसल चल रहा है और इसी तरह के कंस्ट्रक्शन को हटाया भी जा रहा है गंगा जमुना में। आशीष के पास आपको लिए चल रहे हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट? ललित जी, जैसा मैं यहाँ बता दूं कि गंगा जमुना स्कूल परिसर में न्यूज 18 की टीम मौजूद है और यहाँ पर दूसरे दिन की कार्रवाई फिर से शुरू की गई है। कल शाम को 5 बजे के करीब यह कार्रवाई शुरू की गई थी, क्योंकि इसमें फर्स्ट फ्लोर के अतिक्रमण को हटाया जाना है, जिसकी अनुमति नहीं है, जैसा कि नगर पालिका के सीएमओ के द्वारा कहा गया था। और यह प्रक्रिया आज 11 बजे से फिर एक बार शुरू हुई है। मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ कुछ मजदूर नजर आ रहे हैं जो सेंटिंग से लोहा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह मुहिम यहाँ पर लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बुलडोजर लाया की स्थिति नहीं है, क्योंकि यह पहले फ्लोर का मामला है और इसको बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी मशीन के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता, यह कहना था नगरपालिका के सीएमओ का। और यही वजह थी कि यहां पर मजदूरों के सहयोग से यहां पर लोहे को पहले निकाला जा रहा है, सेंटिंग को निकाला जाएगा और यह बिना अनुमति का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ललित जी, उसको हटाने का काम नगरपालिका प्रशासन यहां पर कर रहा है। ललित जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट आशीष के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी शंखनाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट में रहेंगे, पीएम मोदी 27 जून को धार और भोपाल में रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को खरगोन में होंगे। चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून बालाघाट, प्रधानमंत्री मोदी 27 जून धार और भोपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून खरगोन। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से।
देखिए भाजपा का चुनावी शंखनाद इस महीने से शुरू हो रहा है, तो भाजपा के तीन जो बड़े नेता हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका दौरा सबसे पहले 22 जून को है बालाघाट में। ये पूरा बालाघाट जो इलाका है वो ये आदिवासियों का एक बड़ा गढ़ है, तो यहाँ पर सबसे पहले चुनावी सभा के साथ आगाज होगा अमित शाह के दौरे के बाद गृह मंत्री, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 27 जून को आ रहे हैं, तो 27 जून को उनके दो बड़े कार्यक्रम हैं। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो वो है कि जो आदिवासी वर्ग के भी सिकल एनीमिया एक बीमारी है, उसका सिकल सेल एनीमिया का एक बड़ा प्रोग्राम है, तो वो धार में होगा, और उसके बाद फिर उसी दिन भोपाल पहुंचेंगे, तो भोपाल में वो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पीएम मोदी उस दिन वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि भोपाल जबलपुर और इंदौर वाया चलेगी, इसका शुभारंभ होगा। इसके अलावा इसी दिन एक बड़ा कार्यक्रम है जो देश भर के चुनिंदा 2000 कार्यकर्ता हैं, उन सब कार्यकर्ताओं की यहाँ भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक सभा होने जा रही है, और यहाँ से देश भर में 15 लाख स्क्रीन पर जितना भी वर्चुअल है सारे कार्यकर्ताओं को कनेक्ट किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि उस दिन भाजपा की योजना है कि उस दिन पीएम मोदी का भोपाल में रोड शो भी हो, तो रोड शो के लिए भी तैयारियां चल रही है, और उसके लिए अभी सीएम हाउस में भी एक बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। तो पीएम से आग्रह किया जा रहा है कि वे अगर मंजूरी देंगे तो फिर भोपाल में एक बड़ा रोड शो भी होगा। जी जी जी, मध्य प्रदेश से पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, खाट पर नजर आया सिस्टम, शव को खाट पर ले जाते हुए नजर आया ग्रामीण, सड़क नहीं है, लगातार ऐसी तस्वीर सामने आती है। 7 किलोमीटर की सड़क है, 7 किलोमीटर की सड़क बनाने की मांग ये गांव वाले कर रहे हैं। पटकुरा पंचायत का आश्रित गांव है घटौन, मूलभूत सुविधाएं नहीं, 200 की आबादी। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रवण के पास हम आपको लिए चलेंगे। श्रवण विस्तार से जानकारी दें, सिर्फ 7 किलोमीटर सड़क की एक मांग है। जी जी देखिए ललित, ये जो पटपुरा ग्राम पंचायत का घटौन मोहल्ला है वहाँ 7 किलोमीटर की सड़क नहीं है, इसके वजह से जो वहाँ के रहवासी हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, जैसे गर्भवती महिला हैं या जो आज की स्थिति जो वीडियो वायरल हो रहा है कि एक मृतक के शव को गांव ले जा रहे हैं खाट में उठा करके, तो ऐसी जो तस्वीरें हैं उस गाँव से अक्सर निकलते रहती है, और ग्रामीणों की उस 7 किलोमीटर की मांग को सालों से कर रहे हैं, चाहे विधायक हो या मिनिस्टर, हर किसी से वो फरियाद लगा चुके हैं कि ये 7 किलोमीटर की जो सड़क है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि केवल आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और आज यही वजह है कि जब लोग परेशान हो गए तो सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर खाट में शव को ले जाने का वीडियो जो है बनाकर वायरल कर दिए हैं, और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क को बना दिया जाए ताकि वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। बिल्कुल।